हेलो माय डियर फूडीज फैमिली, आई एम 100% श्योर आप सबके घर में ना न्यूट्रेला चॉकलेट स्प्रेड ये तो होगा ही होगा, क्योंकि ब्रेड पे लगा के खाने में ना मज़ा ही अलग है। प्यारे प्यारे बच्चों का तो फेवरेट होता है, क्योंकि भर भर के उसमें चॉकलेट जो डालते हैं। लेकिन आपको पता है जो मार्केट वाले आते हैं ना, वो हेल्दी हैं और ना ही वो न्यूट्रिशियस। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करने वाली दो अमेजिंग ब्रेड स्प्रेड जो कि बहुत सारा न्यूट्रिशन ऐड करेंगे आपकी रेगुलर ब्रेड में। सबसे पहले हम बनाएंगे एलमंड चॉकलेट स्प्रेड, जिसके लिए मैंने लिए हैं 1 कप जितने बादाम। फ्लेम को स्लो कर दें और इसके साथ ही मैं 1/4 कप काजू डाल दूँ। काजू ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट हम इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो एसेंस ऑयल है वो निकल जाते हैं गर्म होने पर, इसलिए इन्हें हम ड्राई रोस्ट करते हैं। आप इन्हें माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। और देखिए हल्के हल्के से देखिए स्पॉट्स आने लगे, और यहाँ पर हमारे जो बादाम हैं वो रेडी हैं। और इन्हें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में, और इन बादाम और काजू को हम डायरेक्टली डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो ध्यान रखिए आपको गर्म में ही इसे ग्राइंड करना है। मिठास के लिए मैं डाली हूँ गुड़, आप चाहे तो शक्कर या हनी का भी यूज़ कर सकते हैं। हम चॉकलेटी फ्लेवर बना रहे हैं इसलिए मैंने 2-3 चम्मच इसमें कोको पाउडर डाल दिया है। और बस अब लेड लगा देंगे। तो आपने देखा कितना ज़्यादा हेल्दी इन्ग्रीडियंट्स इसके अंदर गए हैं। और चलिए अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड इन्हें थोड़ा थोड़ा रुक रुक के करें क्योंकि गर्म भी है अभी ये। और 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे कि आपका जो एलमंड स्प्रेड है वो बनके रेडी हो जाएगा। बस आप इसको ओपन करके ना 1-2 बार चम्मच से चला भी दें, जिससे एक साइड जमा ना हो। और ये देखिए यहाँ पे एलमंड चॉकलेट स्प्रेड बनके तैयार है। ये देखिए टेक्सचर देखिए आप, हमने इसमें कुछ भी लिक्विड ऐड नहीं किया था। ये जो आपको बटर दिख रहा है ना, ये पूरा जो है ये एलमंड के कारण हुआ है, यानी कि जो बादाम थे उनका इसमें एसेंस ऑयल आया। सोच सकते हैं आप कितना हेल्दी है ये। तो ये देखिए मैंने यहाँ बना के रख लिया है एक, और चलिए मैं आपको ना ब्रेड पर स्प्रेड करके इसकी ना कंसिस्टेंसी भी चेक कराती हूँ। ये देखिए एकदम चॉकलेटी है एंड बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन। तो अगर आपका बच्चा एक ब्रेड भी खा रहा है तो आपको तसल्ली रहेगी कि यार आपने कुछ तो उसमें ऐड किया है, क्योंकि जनरली बाज़ार की चीज़ें आती हैं हम टेस्ट में खाते हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। लेकिन अब ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए अब बनाते हैं हमारी सेकेंड स्प्रेड, जो कि है मोस्ट फेमस चॉकलेट पीनट बटर, जो कि बच्चों से लेकर क्या बड़ों तक को बहुत पसंद है। तो पैन में सबसे पहले मैंने डाली यहाँ पर मूँगफली, और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे स्लो फ्लेम पर। आप देख सकते हैं मूंगफली में भी ना हल्के हल्के स्पॉट आने लगे हैं। और बस हम फ्लेम को अभी बंद कर देंगे, हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, हाथ से हल्का सा रब करेंगे जिससे एक्स्ट्रा अगर छिलके जो भी है निकल जाएं, और जो नहीं निकलते हैं तो भी टेंशन मत लीजिएगा, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा बाद में। और गर्मा गर्म मूँगफली को हम डाल देंगे मिक्सर ग्राइंडर में, और इसे भी हम बना रहे हैं गुड़ के साथ में। आप चाहे तो शक्कर डाल सकते हैं या हनी भी। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जितना दालचीनी का पाउडर, गुड़। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ में इसमें डालूंगी पिंच ऑफ सॉल्ट, और चॉकलेटी फ्लेवर देने के लिए कोको पाउडर। सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और देखिए आप देख सकते हैं पीनट जो है वो बटर में कन्वर्ट हो रहा है। और ये देखिए बन के यहाँ पे तैयार है। चलिए अब इसे हम बोल में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर आप इसको और भी ज़्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। तो ये बढ़िया सा हमारा चॉकलेट पीनट बटर बन के तैयार है। ये देखिए है ना मज़ा। इसमें ना कोई शक्कर है, ना कोई प्रिजर्वेटिव, और ना ही कोई केमिकल। अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो आप यकीन माने आपको पूरा पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, पीनट का भी और एलमंड्स का भी। तो देखिए यहाँ पे हमारा पीनट चॉकलेट बटर रेडी है। आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना, कुछ मिनटों में ही दोनों स्प्रेड बन के रेडी हो गए हैं। और आप इन्हें 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ स्टोर करके रख ली, आप ही जल्दी से बनाइए, खाइए, खिलाइए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगी बहुत जल्दी एक रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।